नमस्कार, एसपीएन लाइन न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आज 12 नवंबर है, यानी कि दिवाली का दिन। और भारतीय संस्कृति में दिवाली उन त्योहारों में से एक है जिसे देश की संस्कृति के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक माना जाता है। लेकिन एसपीएन 9 न्यूज पर इसका जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ये दिवाली जेल में मनाई जा रही है। और न केवल संजय सिंह बल्कि पार्टी के एक और दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिवाली भी आज जेल के अंदर मनाई जा रही है। बता दें आपको कि बीती 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 4 अक्टूबर की सुबह ईडी के करीब दर्जन भर अधिकारी उनके घर छापा मारने पहुंचे और 4 की ही शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर की सुबह को संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और रिमांड की मांग रखी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड देते हुए 10 अक्टूबर तक संजय सिंह को ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद जब 10 अक्टूबर को संजय सिंह की रिमांड पूरी हुई तो उसके बाद उनकी 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई और वो रिमांड चली गई 13 अक्टूबर तक। इसके बाद यहां पर 13 अक्टूबर को जब अपनी दूसरी पेशी के लिए यहां संजय सिंह पेश हुए कोर्ट में, तो उस दौरान कोर्ट परिसर से बाहर जाते हुए कोर्ट परिसर के अंदर आते हुए संजय सिंह जब पत्रकारों से मिले, पत्रकार उनके पास आए, तो संजय सिंह यहां पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर दिखे और उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी की, जिससे कोर्ट खफा हो गई। और कोर्ट ने 13 तारीख को ही संजय सिंह को इस बात पर फटकार लगाते हुए कहा कि ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, ये कोर्ट परिसर है, कोर्ट की मर्यादाओं का ध्यान रखें और अपने राजनीतिक बयानों को कोर्ट के अंदर कतई न दें। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने न केवल ये बयान दिया बल्कि संजय सिंह की जो रिमांड पहले 5 दिन और फिर 3 दिन बढ़ाई गई थी, इस दफा कोर्ट ने वो रिमांड 14 दिन बढ़ा दी गई। और जहां संजय सिंह की रिमांड 13 अक्टूबर को पूरी होती हुई नजर आ रही थी, उसे 13 से फिर यहां 27 अक्टूबर तक पहुंचा दिया। इसके बाद दिन बीते और 27 अक्टूबर को एक बार फिर संजय सिंह यहां पर ईडी के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से खामोश नजर आते हैं। और फिर जब संजय सिंह 27 अक्टूबर को पेश होते हैं तो उनकी जो रिमांड है वो 14 दिन और बढ़ाकर 10 नवंबर तक कर दी जाती है। इसके बाद यहां पर 10 नवंबर की तारीख आती है, लेकिन इस बीच एक और घटना घटती है। जिस तरह से यहां 30 अक्टूबर को ईडी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए समन जारी करती है और उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। 2 नवंबर को यहां अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते। इसके अलावा जैसे ही यहां 10 नवंबर आती है तो संजय सिंह ईडी के साथ एक बार फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दिवाली आ रही है और 2 ही दिन दिवाली में बाकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें छूट मिल जाए। और न केवल उन्हें बल्कि यहां पर पूरी आम आदमी पार्टी को और संजय सिंह के परिवार को भी ये उम्मीद रहती है कि आज उनके यहां पर परिवार के इस बड़े बेटे को यहां कहीं ना कहीं इस मामले से छूट मिले और राहत मिलती नजर आए। लेकिन संजय सिंह की जो रिमांड है वो 10 नवंबर को भी 14 और दिन बढ़ाकर अब जाकर 24 नवंबर तक कर दी गई है। और अब संजय सिंह की जो दिवाली है इस साल की, वो जेल में बीत रही है और इस बात का अनुमान शायद ही किसी ने लगाया हो, ना यहाँ पर संजय सिंह ने भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया होगा और ना ही किसी और ने। बहरहाल अब देखना है कि 24 नवंबर को जिस तरह से संजय सिंह की पेशी फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, तो उसके बाद क्या फिर से उनकी रिमांड बढ़ा दी जाती है या उन्हें छूट मिलती हुई नजर आती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।